बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सशरिया लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुल्की सियासत का पारा बदस्तूर हाई है, सियासी हलचल पाई जाती है और पंजाब हाउस में क्याम पजीर साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा हो, मीडिया के नुमाइंदगान हो, वकला तंजीमों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदगानों का मुलाकातों का सिलसिला उनका जारी है और साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी मीडिया में सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से आज कहा गया कि इदारों से टकराव नहीं चाहते लेकिन जो साजिश है उसको बेनकाब जरूर करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नाअहली का फैसला हो चुका था, जवाब ढूंढा गया और लाहौर अपने आप को बहाल करने के लिए नहीं जा रहा बरस्ता जीटी रोड बल्कि वापस अपने घर जा रहा हूं। आपके इल्म में है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब 9 अगस्त को यानी परसों इस्लामाबाद डी चौक से रवाना होंगे। उनकी पार्टी की जानिब से उनके ट्रेवल रूट का भी ऐलान किया गया है, ब्लू एरिया से होते हुए फैजाबाद, फैजाबाद से रावलपिंडी, रोहत और फिर जीटी रोड से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो जलसे से भी खिताब करेंगे और बहुत से मुबस्सिरीन इसको मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अपना पॉलिटिकल पावर शो करार दे रहे हैं। अगरचे जो हिजब खिलाफ की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके चेयरमैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये जो जीटी रोड से जाने का फैसला है इसको इदारों पर दबाव का अमल करार दिया और नुक्ताचीनी की और उन्होंने ये जरूर कहा कि जब वो सड़कों पर निकलते थे तो मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कहा जाता था कि ये किसी के इशारे पर निकल रहे हैं। तो ये सवाल आज उन्होंने उठाया कि वो पूछना चाहेंगे मुस्लिम लीग नवाज से कि वो किस इशारे पर जो है वो जीटी रोड से लाहौर जा रहे हैं। आपके इल्म है कि जब से ये फैसला आया और इससे कबल भी नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो अल्फाज की जंग है उसका सिलसिला जारी है बल्कि अब ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। दूसरी जानिब आपके इल्म है कि आयशा गुललै जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली रही 4 साल तक, उन्होंने इमरान खान साहब पर नाजेबा मैसेजेस का इल्जाम आयद किया और उन्होंने साथ में पीटीआई छोड़ने का भी ऐलान किया। आज उनकी प्रेजेंस हमें नजर आई कौमी असेंबली के इजलास में, कौमी असेंबली के जब इजलास में हुआ उस पर भी पीटीआई के मेहमान की जानिब से इतराज किया गया और जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर कर रही थी जो कि बड़ी धुआंधार आयशा गुललै ने नफीतुली तकरीर की, उस वक्त काफी शोर शराबा मचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान की जानिब से, जिसके बाद उन्होंने मीडिया बाहर आकर मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो हक और सच पर है, मेरिट पर मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुई है और इज्जत और खैरत पर समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनकी फैमिली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं। ये जो सियासत का ये ट्रेंड है इस पर भी आज की नशिस्त में बात करेंगे और आज रावलपिंडी में एक अहम इजलास हुआ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सरबराही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की और जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा किया कि मुल्क से दहशतगर्दी को शिकस्त देने, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के कयाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखेंगे। व्यूअर्स, आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो ट्रांजिशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, काबीना भी दोबारा उसने अपना हल्फ उठा लिया नई काबीना में, ये जो सियासत है मुल्क की सियासत है इस पर आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात में सर सकत इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू है उनका तारफ मैं आपसे कराया देता हूं। हमारी आज की पहली नुमाइंदा शख्सियत विपक्षी वजीर हैं बराए सफरन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया कादिर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और जैसे मैंने कहा साबिक वजीर आजम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जो सहाफियों का नुमाइंदा वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिला था उसमें आप शामिल थे। राना जवाद साहब डायरेक्टर जियो न्यूज हैं, आपका बहुत शुक्रिया जवाद भाई कि आपने वक्त दिया। और टीवी यू लिंक का मार्सद क्वेटा से शरीक गुफ्तगु हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कामरान मुर्तजा साहब, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, जो नुकात उठाए जा रहे हैं उनसे हवाले से उनसे भी हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक दफा फिर आपको मुबारकबाद, आपने दोबारा हल्फ लिया है और हम वहां मौजूद थे जब काबीना दोबारा से हल्फ ले रही थी और उसमें नए चेहरे भी आए हैं। ट्रांजिशन का एक अमल मुकम्मल हो गया, जनरल कादिर बलोच साहब अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंजाब हाउस में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि आप लोग जीटी रोड के जरिए परसों जो है वो लाहौर जा रहे हैं, हुकूमत भी आपकी यहां पर है, नए प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। खान साहब जो है आज उन्होंने दबांगे दोहल कहा कि मेरा सवाल यह है कि ये आप क्यों इस तरह का सफर इख्तियार कर रहे हैं जबकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अदालत उज़्मा की जानिब से नाअहली का फैसला सामने आया, तो किसके इशारे पर आप लोग जा रहे हैं और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनवार बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल किया आपने और उसका जवाब मैं थोड़ा सा तफसील में देना चाहूंगा।
सबसे पहली बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब प्वाइंट ए से प्वाइंट बी या एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे, या सिराजुल हक साहब, या मौलाना फजलुर रहमान साहब, या बिलावल भुट्टो साहब, या क्योंकि फारूक सत्तार साहब, या चौधरी शुजात हुसैन साहब, जब वो जाते हैं कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह, कोई उनसे सवाल करता है, कोई पूछता है, अगर अपने घर चले जाते हैं कोई उनको परमिशन लेने की जरूरत होती है, कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सियासी कार्रवाई कर ले या अपने घर चले जाएं, ये प्रोग्राम देने की कोई ये न खबर बनती है और न इसको खबर बनाया जाता है, न इसके ऊपर नुकसानी की जाती है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है कि अदारों के ऊपर दबाव, ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये जो कुछ कहते हैं इमरान खान साहब और मीडिया के मेजोरिटी और इस मुल्क में ये जो 28 जुलाई का डिसीजन आया, उससे पहले जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था वो ये था कि हमारी पार्टी की क्यादत, खासकर मियां साहब खुद, मियां साहब के बच्चे, मियां साहब के रिश्तेदार, मियां साहब के वालिद मरहूम, क्या कुछ उनके बारे में कहा नहीं गया और करप्शन के सिलसिले में क्या कुछ नहीं कहा गया, और पूरी मुल्क में ये इम्प्रेशन दी गई जिस तरह पाकिस्तानी कौम, मनहसुल कौम तमाम का तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि मियां साहब उसकी पार्टी को हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है, पॉपुलरिटी वो अपनी मुकम्मल लूज कर चुके हैं, उनका ना कोई सपोर्टर है, ना उनका कोई पूछने वाला है, ना उनका कोई ख्याल रखने वाला है, अगर वो निकलेंगे तो उसके पास कोई कुछ नहीं होगा। भाई साहब अब तो कंडम्ड है, हम कंडम्ड है, मियां साहब की फैमिली कंडम है, मियां साहब खुद कंडम है, और उन्होंने उसके सबूत के तौर पर तो एक जजमेंट भी आई, जजमेंट के बगैर उसमें जाए बगैर जजमेंट आई है, उस जजमेंट ने कंफर्मेशन की है जो कुछ कहते थे, फिर भाई डर किस बात का, कौन सा प्रेशर आ रहा है, डिरेल किस बात की, भाई हमारा तो फॉलोअर कोई नहीं है, हमारी तो फॉलोइंग कोई नहीं है, आपने बिल्कुल यहां पर प्रेशर पूरे मुल्क में यह दिया गया था कि हमें तो पूछने वाला कोई नहीं है, तो प्रेशर किस बात की लाएगा, ये तो ये कहना चाहिए कि मियां साहब बजाय इस बात के कि हम प्रेशर लाने वाले हैं, खान साहब को ये कहना चाहिए था, पॉपुलरिटी ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है कि मियां साहब जब निकलेंगे तो काले झंडू से लोग उनका इस्तेमाल करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मियां साहब को जाना नहीं चाहिए। तो भाई साहब मैं ये इस बात पर हैरान हूं, ये चीज मेरे समझ नहीं आती है कि प्रेशर किस चीज का पड़ेगा, किसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, जब हमारी हैसियत ही कोई नहीं, हमारी फॉलोइंग ही कोई नहीं, हम कंडम है, हम करप्ट है, हमने तमाम दुनिया के खराब काम किए, यहां पर हिजान की कैफियत पैदा की गई पूरे मुल्क के अंदर, तो अभी इस वक्त ये कहानी कह देना कि जी अपने घर में जाए क्योंकि घर में जाएगा और अब दुनिया आएगी, एक्चुअली जो कहते हैं पॉलिटिकल पावर शो करेंगे ना, और शो हम तो यही कहते हैं जनाब, यही बात मैं कहना चाहता हूं, आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वो टोटली गलत थे, मियां साहब ने कहा था, इस अदालत ने फैसला दिया, एक और अदालत भी है, मैं अपना केस उधर ले जाऊंगा, अच्छा। अभी देखते पब्लिक क्या कहती है, केस तो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम है, और वो क्या कहती है, जहां तक हो गया लैंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने का हुकूमत हमारी है, मरकज में भी हमारी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मेजोरिटी बाकी है, सूबे में भी हमारी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, सूबे हुकूमत इस पोजिशन में है कि सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त कर सके, लिहाजा कोई अप्रिहेंशन की बात नहीं है, अगर घर अपना जाना चाहते हैं, रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, अगर लोग आ जाते हैं ये उनका कायद है, और इस क्यादत का सबूत पाकिस्तानी आवाम ने कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 13 से ऑनवर्ड बाई इलेक्शन की सूरत में दे दिया, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में दे दिया, कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में दे दिया, पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से और भी जो क्रिटिसिज्म है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मैं राणा जवाब साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मुलाकात में मौजूद थे जो सहाफियों के साथ हुई, वजीर आजम साहब की पहली मुलाकात जो हफ्ते के रोज हुई, आज दूसरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात के बाद घर बातें आप बताएंगे कि अंदर क्या फैसला हुआ, लेकिन एक नशरी इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने आपका नाम लिया, मुजीब रहमान शामी साहब का नाम लिया, हफीजुल्ला नियाजी साहब का नाम लिया और इम्तियाज आलम साहब का नाम लिया कि ये चार जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कायल करने की कोशिश की कि आप लोग जीटी रोड से लाहौर जाएं, मोटरवे से ना जाएं, क्यों कहा आपने? अनवार वैसे मेरी अपनी तबीयत के खिलाफ है मैं कि किसी के मुतालिक बात करूं, लेकिन मुझे ना बड़ी उलझन होती है, हमारी सियासत में कुछ लोग जो हैं वो खुद साख्ता तर्जमान है, कोई फौज का बन गया है, कोई सुप्रीम कोर्ट का बन गया है, लालच उनका एक है किसी तरह इक्तदार में पहुंचे, ताकत हासिल करें जी। अब उनके पास अवाम की ताकत तो नहीं है, कोई कांगा पार्टी पे बैठा हुआ है, कोई लूली पार्टी पे बैठा हुआ है, कोई पे दर पे शिकस्त खा चुका है,
तो उनको ना एक मेरा ख्याल है कि आपे से बाहर नहीं होता है, आपे से बाहर हो गए और इसलिए वो हर एक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, इस मुल्क के करोड़ों लोगों ने उनको वोट डाला है, उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अगर जेन्युइनली समझते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि नवाज शरीफ उतर गया फौरन, उसने उस पर कोई बावेला नहीं किया। वो कहते हैं कि इस तरह की जो स्टेटमेंट आजकल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो फैसले को नहीं मान रहे। देखिए फैसले को तस्लीम करना और बात है, कुर्सी खाली कर दिया, अमल दरामद किया ना, फैसले को दरामद कर रहे हैं जनाब, किस बात की अमल दरामद क्या? तो फिर वो जो उनके बयान आता है कि ना आप जवाब ढूंढा, अगर आप सियासी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप लीडर है, आपके ऊपर फर्ज है कि आप बताएं कि नवाज शरीफ उतर गया अपनी कुर्सी से। आप झूठ बोलते हैं बार बार, आप अजीब और गरीब चीजों से डरा रहे हैं लोगों को। जीटी रोड का आपने किस तरह से सजेशन की थी जो मेरा सवाल था। अच्छा बात यह है कि देखिए नहीं, एक तो पहली बात यह है कि ऐसी बात जो थी मैंने तो मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं उनको कहा था अपनी उसमें, हाँ अमूमी बात की थी और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसके अंदर आपको ऐसे हमेशा दागदार किस्म के करेक्टर मिलेंगे जो कि अपना हिस्सा लेने के लिए बैठे होते हैं और जमहूरियत का नाम लेते हैं लेकिन हमेशा वारदात पीछे से करते हैं। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से ये कहा था जी कि जाहिर है आपने अपने पूरा वो एहतसाब के अमल से गुजरे, आपने 2013 में कहा भी आपका मूड नहीं था कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, अब 2018 में आपको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक इस वक्त सीनियर लीडर हैं, आप 3 दफा वजीर आजम रहे, आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जी। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी एक वजीर आजम ने अपना टेन्योर नहीं पूरा किया, ये बाई डिजाइन है, बाई डिफॉल्ट है, ये क्या वजह है? आप इस पे काम करें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठें और वो रास्ते जहां से निकलती हैं चीजें उनको बंद करें, वो रोल होना चाहिए आपका, आप पार्टी पॉलिटिक्स से भी अबव हो। अब उसके लिए जाहिर है पॉलिटिशियन के पास अवाम के अलावा तो कुछ भी नहीं है, उसके पास क्या है? अवाम ही है ना, तो वो कहां जाएगा? वो अवाम के पास जाएगा। ये ना किसी इदारे की तस्दीक है, ना किसी अदालत की तस्दीक है और ना ही किसी इक्तदार के, लफ्ज सख्त है लेकिन ना किसी इक्तदार के पुजारी के लिए कोई इसमें तस्दीक का पहलू है। उनको बर्दाश्त करना चाहिए, उनकी अपने एक वोट बैंक है, इनका अपना एक वोट बैंक है, लेट देयर बी अ डिसीजन। हाँ जिस दिन देखें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जिस दिन खड़े होकर कहें कि आप डिफाई करें, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था सिविल डिसओबीडियंस का, कहा था कि नहीं कहा था, आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर नवाज शरीफ ये कहेंगे तो मुझ समेत जितने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो कंडम करेंगे उनको, उनको कंडम करेंगे। पहली बात ये है कि अगर ये मियां साहब अगर मोटरवे से जाते ना, तो उन्होंने ये बात करा था कि लोगों से आंखें छुपा के जा रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी आवाम के सामने मियां साहब को जाने की जरूरत है इस जजमेंट के बाद, जिन लोगों ने उनको वोट दिया हुआ है, कहेंगे क्या? शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। कहने की जिस देखिए सियासी आदमी क्या कहता है, वहां पर यह कहता है कि मैं आपके दरमियान में हूं, मैं आपका कायद हूं, आपकी पार्टी हुकूमत कायम है, सब कुछ कायम है, 18 के इलेक्शन के लिए आपको तैयारी करना चाहिए, ये कहना चाहिए। हर एक आदमी ने कहा वही बात कर रहा था, मियां साहब क्यों ना कहें बात सब, उन्होंने कहा मैं बहुत सी बातें बताऊंगा कि जो मैंने चीजें देखें उन्होंने ये कहा हुआ है, उन्होंने ये जलसों के लिए इस रस्ते में जाने के लिए ये बातें नहीं रखी हुई है कहने वाली, वो तो उनसे पूछ ली, मेरे ख्याल में अगर कहने वाली बातें होती तो इनसे कह देते। हाँ, उन्होंने कहा मैं आईन की पासदारी करूंगा, मुसलसल एक ही फिक्रा बोलना है, पासदारी उन्होंने करना है। दूसरी बात मैं खास कर खुदा के लिए इनसे मिलता 10% है, ये जबरदस्ती जो ना अदारों को खींच के दरमियान में लाने की और उनको पिच करने की इसके इस चीज से तो जनता विधायकों को ये गलत गलत ऐसे लोगों को शटअप काल दे और ये बड़ी जल्दी इम्पोर्टेंट बिल्कुल इनको शटअप काल देने के लिए कमरा सबको भी नाम नहीं लेते हैं, इशारों में बातें करते हैं। कमरा मुर्तजा साहब सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, आप कोयटा में मौजूद हैं। सर आज इस हवाले से आपसे, चूंकि आज पहली दफा गुफ्तगु हो रही है 28 जुलाई के फैसले के बाद, इससे पहले तो बहुत सी हमारी नशस्तें हुई थी, साबिक वज़ीरे आज़म की जानिब से मुख्तलिफ बयान सामने आए हैं और आज उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला हो चुका था, सिर्फ जवाब ढूंढा किया और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि नैब के खिलाफ अगर मुझे अपील करना पड़ी तो केस किसके पास
लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जज जस्टिस इजाजुल हसन साहब को निगरान जज भी मुकर्रर किया है, जो अब आज ये भी फैसला हुआ है चार रेफरेंसेज दायर करने के हवाले से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, साथ में मियां रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट की बयान भी सामने आया है कि 58-2 भी खत्म हो गया तो नया तरीकेकार वजह कर लिया गया है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कामरान साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपको पता है कि इसमें हम उन लोगों में शामिल हैं, मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं जो अपनी एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एहतराम बरकरार रखते हुए इस पे हमारी रिजर्वेशन हैं और बहुत सारी रिजर्वेशन हैं और इसका हम बरमला इजहार करते रहे हैं। इवन रिजर्वेशन दूर करने के हवाले से हमारी रिजर्वेशन थी, पहले दिन से हमने इसका बरमला इजहार किया, जब ज्यूरिडिक्शन ज्यूम हो गई उसके बाद जीआईटी पे हमारी रिजर्वेशन थी उसका बरमला इजहार किया और अब इस फैसले के हवाले से भी उसको हमारा पूरा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट के साथ। मगर चूंकि जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक की डिस्कशन के लिए ओपन हो जाता है, सिर्फ ये है कि उसकी तस्दीक नहीं की जाए और हम पैटर्न इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, मगर इसके कई हिस्से ऐसे हैं जिसके ऊपर जिसको आदमी उसमें एतराज कर सकता है और हम अपना एतराज जो है वो कर रहे हैं और अपना एतराज उसमें बरकरार रख रहे हैं। हमें डिस्क्वालिफिकेशन वाले हिस्से से जो है वो एहतराम के साथ हम उसके साथ एग्री नहीं करते, हम ये जो मॉनिटरिंग वाला हिस्सा है हम एहतराम के साथ उसके साथ एग्री नहीं करते। ये एक नया जूरिसप्रूडेंस डेवलप हुआ है और ये नया जूरिसप्रूडेंस जो है ना वो मेरा ख्याल है कि वो कोई हेल्दी निशाना छोड़ के नहीं जाएगा और इसकी वजह से जो है वो मामला जो है ना वो सियासत में अदारे इन्वॉल्व होंगे, अदारों को लोगों को बिछीटा जाएगा, अदारे के जो मेम्बरान है तो वो इस हवाले से भी हम उसके साथ एग्री नहीं करते। तो अब चूंकि एक फैसला हो गया है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जिम्मेदारी थी, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, उसको डिस्कस करना जो है वो पब्लिक जो है वो उसको डिस्कस कर रही है, न सिर्फ आज डिस्कस करेगी बल्कि वो सदियों तक जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक हमारा मुल्क इंशाल्लाह कायम है और कायम रहेगा जब तक ये कायम है ये बातें डिस्कस होती रहेंगी। आप ये देखेंगे कि फिर इस फैसले को लोग रेफर करेंगे नहीं करेंगे, इस फैसले के हिस्सों को जो है वो लोग उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करते रहेंगे, तो इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। अगर किसी ने भी इस फैसले को अपना डिस्कशन की वजह बनाया है तो ये लोगों का हक है। जी व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू यहीं से बढ़ाएंगे। हमने कामरान मुर्तजा साहब, राणा जवाद साहब और जनरल कादर बलोच से सवाल किए, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्त के बाद। टेक अ ब्रेक। अद्वियात सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है, सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। सफर के 70 साल सफर के 70 साल। The smiling faces of Pakistan. ओमी सफर के 70 साल।
जल साहब, एक सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहूंगा कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमें एक नए पॉलिटिकल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर डायलॉग की जरूरत है। मौजूदा हालात में ये जो चीलें पाई जाती है, जैसे राणा जवाहर साहब ने भी कहा, और ये हमारी तारीखी हकायक भी है कि 70 साल तारीख में कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और कभी किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ग़िज़ाई किल्लत के इशू पे जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान कहता होता था उस पर चलता किया जाता था। फिर हमने देखा कि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की हुकूमतें दो दो मरतबा करप्शन की बुनियाद पर निकाली गई। अब अदालत की जानिब से इन्हें और इनसे कबल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जो है वो नाअहल करार दिया गया। तो क्या कोई नए कॉन्ट्रैक्ट की आप समझते हैं कि जरूरत है जिसमें फैसला किया जाए? क्योंकि आज ये भी कहना था कि आप हम करोड़ों लोगों के वोट लेते हैं लेकिन फिर हमें इसका टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में 100% इस बात की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है जी। एक ये है कि एक हाई लेवल कमीशन बैठना चाहिए जो हमारे टॉप के लोगों से पर मुश्तमिल हो, 4-6 बंदे, और इस बात का मुतालिया करें और एक रिसर्च करें कि ये जो दरमियान में मुख्तलिफ दौरों में मार्शल्ला लगते रहे जी। या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिस्चार्ज किया गया या उनको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, इसके वजूहात क्या थे और कौन जिम्मेदार है इसके लिए और जिम्मेदारी फिक्स की जाए इसके ऊपर, वजूहात भी देखे जाए, जस्टिफिकेशन लोग देखते हैं ठीक। पेपर में मुशरफ साहब आया, उन्होंने कहा जी मार्शल्ला बेहतरीन तरीका है जी, उन्होंने उनकी बचत है, प्लान है वगैरह वगैरह वगैरह। अभी ये वो चीजें हैं जो कि बुनियादी तौर पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया उस मकसद को सामने रखते हुए फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मुख्तलिफ, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप आके ठहरे हैं। उनके मौजूदगी के बावजूद भी ये इंटरफेरेंस आ रहे हैं, हो जाते हैं, और फिर जस्टिफिकेशन अदालतें उसको सपोर्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ अवकात में, मार्शलाज लगे मार्शलाज को हमेशा अदालतों ने सपोर्ट किया, हमेशा उनको उनको कहीं ना कहीं सुना, और मार्शला लगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी लाइन्स बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा उस तरह कार्रवाई नहीं है, लेकिन पास्ट में ये होता रहा था। बिल्कुल आपके सामने हमारे सामने की बात है, हम तो 70 साल के खुद भी हो गए। तो पहली बात ये मालूम करने की जरूरत है कि क्या वजूहत है, वी मस्ट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स हो जाती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब एक सर अकाउंटेबिलिटी ये काबिल अमल तजवीज है जो आप कह रहे हैं, तो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, वो तो आप ही के वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मैं 9-9 साल वो आते हैं टेन्योर पूरा करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं मार्शल्ला की बात नहीं करता हूं, मैं फौज की बात नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं नेशनल लेवल पे वो भी हमारे खूबी अदारे ठीक है, उनके एक सरबराह ने बरिवाल फौज के एक सरबराह ने परवेज मुशरफ साहब ने ये बात की कि बेहतरीन निजाम है जी, मुमकिन है कल हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, मुमकिन हम इसका कल इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उनका व्यू पॉइंट साइज सही हो ठीक है, उनका व्यू पॉइंट या वो तरीक जो इख्तियार किया गया है अगर जस्टिफिकेशन उसकी बनती है उसमें अदारे हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिविलियन हूं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर फौज के ऊपर इल्जाम लगता है तो फौज के भी रिटायर्ड ऑफिसर इसमें शामिल किए जा सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रेन हैं, लोग रिटायर हो चुके हैं ठीक ठाक, जनरल असलम बेग वगैरह ये हमारे बहुत बड़े बड़े लिखे किस्म के जनरल हैं और भी बेशुमार हैं, वो शामिल किए जा सकते हैं, सिविल सोसाइटी से लोग आ सकते हैं, इसको नॉन पोलिटिकल आप कर सकते हो बिल्कुल पॉलिटिक्स को आउट करके और वो ये कार्रवाई करें, लेट्स कम टू दिस कंक्लूजन, और फिर बाद में एक एक नया चार्टर बनाया जाए, कार्रवाई की जाए, और अगर किसी की कोई गलती है जो कर चुका है ज्यादती हुई है, आफ्टर ऑल देखिए एक हकीकत ये भी है कि 70 साल हमको हो चुके हैं, आज भी हम डेवलपिंग अपने आप को बल्कि अंडर डेवलप कंट्रीज है, हमारे बाद लोगों ने आजादी हासिल की कहां से कहां पहुंच गए, उसकी वजह कहां से कहां पहुंच गए। तो अभी इस जब तक अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, मियां साहब ने सही कहा हुआ, मैं तो कहता कुछ तो करना चाहिए, करना चाहिए। राणा जवाहर साहब ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने खुद कहा कि आपने सजेशन दी कि अब आप जो हैं वो एक रहबर कायद के तौर पे अपना काम करें, और इस हवाले से भी कि ये क्या वजह आप ही नुकता उठाया था कि कोई वज़ीर आज़म अपनी टर्म नहीं पूरी कर सकता, जो जनरल साहब ने कहा ही सपोर्ट्स इट, और उन्होंने कहा कि फिर अकाउंटेबल ठहराया गया उन लोगों को जिन जो तारीखी तौर पर हमारे गलती के मुर्तकिब है। हम कहां से आ रहे हैं, हमारा मसला बड़ा सिंपल और सीधा है, यहाँ पे एक मिलिट्री और एक सिविल है ठीक है, कश्मकश उनके दरमियान है, अदलिया भी है ना, देखिए अदलिया कर अदलिया ने हमेशा जस्टिफिकेशन पर मीडिया पावर अदलिया मीडिया तो मेरा नहीं, मैं नहीं समझता, देखिए मीडिया का डिवाइसिव किस्म का मीडिया है ना, मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हमारी हैसियत हमें पता है क्या है, हम जो न्यूज मेकर्स हैं उन्हीं की बातों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं वक्ती तौर पर तो हमें मिलता है जंप,
लेकिन इन द लॉन्ग रन हम नहीं सस्टेन करते, हमारा ब्रांड नहीं बन सकता। ठीक है, तो असल में देखे मेरी बात सुने जी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और नवाज शरीफ साहब का एक मिसाल के जमहूरियत हुआ था। अगर हम एक पढ़े लिखे दो पाकिस्तानी हद से ज्यादा मुहिब वतन बात करें आपस में और कहें कि वो क्यों किया, क्यों जरूरत पड़ी थी उसकी, किसको रोकने की जरूरत के लिए किया था, उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें थी, चाहते क्या थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो भाई आपने आपस में दो सियासी जमातों ने मिसा के जमहूरियत किया, वो हवा में उड़ गया। आप सारी सियासी पार्टीज बैठे और जो आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे और एक नया मिसा के जमहूरियत करें जिसमें और दूसरे स्टेक होल्डर से आपकी मदद, एस्टैब्लिशमेंट फौज और अदलिया, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी, जो एस्टैब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, ये लोग बैठे फैसला करें फिर, मतलब क्या होगा इस मुल्क को चलाना कैसे, तो वो जो काउंटर बैलेंस का निकाल है वो तो फिर गैर फॉल हो जाएगा। कैसे गैर फॉल हो जाएगा, ये किसने कह दिया है? देखिए सबसे बड़ा क्या प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर एक सेकंड के लिए बढ़ा सकता है? नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं बढ़ा, तो फिर क्या बात है? वो वापस जाएगा लोगों के पास, उसको दोबारा वोट की जरूरत है? वो कितना को बड़ा बदमाशों का गैंग होगा कि गन पॉइंट पे वोट ले रहा है? हमारी तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ, जब ऐसा हुआ तो लोगों ने उठा के बाहर फेंका उस लीडर को, पब्लिक एजिटेशन हुई है, सड़कें जैम हो गई है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने यौमे तशक्कुर मनाया है, कितने लोग आए देखे जाके, कितने लोग आए, सबसे कम कामयाब जलसा उस दिन था। ये जो यौमे तशक्कुर है जी, मैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ, आप देखे जाके। अच्छा, आप मुझे बताए अनवारुल हक, अनवारुल हसन, मैं आपको हमेशा अनवारुल हक कहता हूँ, अनवारुल हसन ये बातें आप करनी पड़ेगी हमें, ये करनी चाहिए, इसमें कोई बदनीयती, कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, किसी को टांग खींचने की बात नहीं है। तनाव पैदा सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तवाना और मजबूत दो बुनियाद पे होगा, एक उसकी फौज मजबूत हो, दूसरा उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, तो इकोनॉमी अच्छी होगी, गवर्नेंस होगी, ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप उसके लिए। ओके कमरान साहब, ये सवाल आपके पास मैं पिच करता हूँ, आप भी समझते हैं कि एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें जरूरत है, जैसे आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से कहा गया और जो हमारी तारीख भी रही है, और जैसे मैंने कहा इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि एक दूसरे के लिए काउंटर चेक जरूर हो, जो हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट है, जो हमारी एग्जेक्टिव है, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो लाइंस ड्रॉ है उससे तजावज भी ना हो। हमारी तारीख गवाह है कि तजावज भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है बहसियत कौम। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये दस्तूर क्या है, ये हमारा एक इमरानी माहिदा है ना आपस में जी जी, तो हमें किसी और किसी इमरानी माहिदे की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ दस्तूर पे अपनी अमल बरामद करने की जरूरत है, हूबहू उसने जो कुछ लिखा है हमको उसको फॉलो करना है। अब हम ये है कि ये पहले दो पार्टी के दरमियान जो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो स्टैब्लिशमेंट ने तीसरी पार्टी खड़ी कर दी, अब जब तीसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी और वो फिर उसको जो है ना उस वो कह देगी कि जी ये दो लोगों ने बारी बांटी हुई है, पहले तुम फिर उसके बाद मैं फिर तुम, और ये बात जो है ना हम सबको इस बात को तय करना होगा जितनी भी इस मुल्क में पोलिटिकल पार्टीज हैं कि हमने इस दस्तूर के मुताबिक चलना है, और हम इस दस्तूर में अगर कोई टेनोर अगर फिक्स है किसी चीज का तो हमने उसका एहतराम करना है, और किसी की टांगे अगर इस तरह से अगर उसको कहें कि हमने पॉलिटिक्स में जो है किसी दूसरे के हाथ बांध के फिर लड़ाई करनी है तो इस तरह से नहीं होगा, मुमकिन है कि आपकी इस अमल की वजह से वो मजीद ताकतवर होके आ जाए। तो इसलिए हमको अगर हम थोड़ा सा इसको इंतजार कर लेते, एक दस महीने एक साल और इंतजार कर लेते तो इसके बाद इलेक्शन तो वैसे ही ड्यू था, वो हमने अगर ये तय कर लिया होगा कि हमने दूसरे की बारी जो है ना वो पूरी नहीं होने देनी या कम से कम आराम से नहीं पूरी होने देनी और उसको डिस्टर्ब किए रखना है, तो फिर ये मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा। बुनियादी तौर पर ये नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है मुल्क का, नुकसान हो रहा है पब्लिक का। जो असल इश्यूज थे क्या हमने उनको एड्रेस किया? ये चार पांच सालों में एक धरना शुरू हो गया, दूसरा धरना शुरू हो गया, हमने किस चीज को एड्रेस किया है? सिर्फ हमने क्या ये मुल्क धरनों के लिए रह गया, एजुकेशन के लिए रह गया, एक दूसरे को जो है गालियां देने के लिए रह गया, या जो है ना वो ये व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए रह गए? ये किस मामला में हम पड़े हुए हैं? मामला को अगर सेटल करना है, अगर पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स इकदार का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स खिदमत का नाम है। इकदार मिले या ना मिले ये चीजें रेलेवेंट नहीं हुआ करती है। ये चीज जो चीज रेलेवेंट होती है वो ये कि आपने जो कुछ आप सोचते हैं, जो आपकी अच्छी सोच है उसको आपने लोगों को दे के जाना होता है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं
कि बहुत लोगों को जिंदगी भर इकदार नहीं मिला मगर वो आज भी बहुत बड़े लीडर होंगे। तो इस तरह से जो है ना हमको इकदार की बजाय कि कौन अगला वजीर आजम होगा ये इररिलेवेंट बात है। वजीर आजम होगा तो जब बनेगा तो वो खत्म भी हो जाएगा। हमको जो है मेन बेसिक ये है कि अपने लोगों को एक राह दिखानी है। वो राह दिखाने के लिए कितने लोग हमें तैयार है, कितनी सियासी पार्टियां हमें तैयार है। जब तक हमने ये तय ना किया और एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय ना किया कि हमने इंटरफेरेंस छोड़नी नहीं है तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। आप ये देख लीजिए कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता पीछे जा रहा है। हमने रिवर्स लगाया हुआ है। हम जो है तरक्की माकूस है और जब तक ये हमने अपने रवैयों को तब्दील ना किया इस मुल्क में कोई शख्स जो है वो ना गद्दार है ना वो इस मुल्क का बुरा चाहता है। अगर तो गलत है तो वो पब्लिक का मैंडेट लेके आया है उसको सिर्फ पब्लिक को देना उसको अंडू करने का हक है। इसके अलावा किसी का ये हक हम तस्लीम नहीं करते कि वो उसको अंडू करें। कोई आगे कह दे कि नहीं जी एक जीप लेके आ जाए एक ट्रक लेके आ जाए हथियारों के साथ और कहे कि जी आप इधर से निकल जाए फिर उसके बाद दूसरा तरीका वारदात इख्तियार कर लिया जाए तो ये तरीके जो है ना ये गलत तरीके हैं। लोगों को अपना टेनोर पूरा करने दीजिए अपना टाइम पूरा करने दीजिए। अगर वो शख्स गलत होगा था अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सर्व नहीं कर पाई पब्लिक उसको उठा के बाहर फेंक देगी और वही मुनासिब और प्रॉपर तरीका है। लेकिन कमरा साहब आप जो है आप कह रहे हैं आपका मौकफ है लेकिन मेरा एक सवाल आपसे आपने कहा कि चलने नहीं दिया जाता सियासी जमातों की इसमें कितना किरदार है। आप कह रहे हैं कि टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता लेकिन ये आईन के आर्टिकल्स बने हुए हैं ना। आर्टिकल 184(3) है आर्टिकल 62 है आर्टिकल 63 है। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब गिला कर रहे थे कि नैब का कानून हम खत्म करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। मौका तो मौजूद रहा चार साल तो आपकी सियासी जमात मौजूद रही आईन में तरमीम कर ले 18वीं तरमीम की बात आपने उसको जाने दिया आप उसमें फरीक थे। अब आप वो गिला करते हैं मगर आप उसमें फरीक थे। हमारा ये भी गिला है उनसे जी। देखिए बात ये ना कि आर्टिकल सारे हैं इस आर्टिकल का ये जो दस्तूर होता है ये दस्तूर उस वक्त तक मुकद्दस होता है जब तक उसको टू थर्ड मेजोरिटी जो है ना वो अंडू ना कर दे असेंबली की पार्लियामेंट की। ठीक ये आज इस हालत में इसमें भले आर्टिकल 62 है 63 है या बाकी जो चीजें हैं सारे सारा कुछ मुकद्दस है। हाँ अगर इसमें कोई चीज गलत है क्योंकि इसमें रुकना नहीं होता ये बहते पानी की तरह होता है। अगर इसमें कोई गलत है तो उसको डिबेट करे पार्लियामेंट उसको ठीक करे इसमें तो कोई हल वाली बात नहीं है। मगर जब तक जो कुछ दस्तूर में लिखा है उसको एज इट इज जो है ना उसको फॉलो करना चाहिए। जी जय सब सर ये सवाल मैं आपके पास करूंगा। देखें इस वक्त भी आप लोग हुकूमत में जी जी। और नैब के कानून के हवाले से आप लोग भी बहुत इस पे मोतरज हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब आज कह रहे हैं इसको खत्म करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला। पीपल्स पार्टी जब डॉक्टर आसिम साहब का केस है वो कहते थे काला कानून है तो खत्म क्यों नहीं कर पाए। जी मैं तो इतनी तफसीलात में नहीं जाऊंगा जिसमें कामरा मुर्तजा साहब पड़े उन्होंने आईन की बात की बहुत कुछ आईन है तमाम वो बातें जो उन्होंने की है वो सबके लिए कानून है सब मौजूद है वहां पर। 62-63 की बात की गई है अभी ये जरूरत भी महसूस की जा रही है कि इनकी जरूरत नहीं थी लेकिन जनाब 62-63 के तहत इन्होंने उसका सहारा लेने की कोशिश की। किस बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ऑल थ्रू डोर बजाए जा रहे थे करप्शन के पैसे लूटने के चोरी करने के फलान 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 करते फिर फाइनली किस बात पे आए कि जी बेटे से उन्होंने तनख्वाह लेनी थी और चूंकि ली या नहीं ली लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया लिहाजा ये एक जुर्म बनता है इसकी बुनियाद इसको बुनियाद बना के डिस्क्वालिफिकेशन की तलाश कर की गई। तो एक मिनट में आ जाऊंगा फिर रिसीवेबल की उन्होंने डेफिनेशन तलाश करने की कोशिश की। इनकम टैक्स कानून में वो शिक है उसका 10 एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है वहां पर इसकी डेफिनेशन क्लियरली रिसीवेबल जो है इट्स नॉट सपोज टू बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ इनकम वो नहीं है। इसके बावजूद तशरी कहां से आपने मेरी बात सुने डिक्शनरी का सहारा लेके वो डिक्शनरी का अंग्रेजी का डिक्शनरी ढूंढ के जो उसमें इसके माने यह है लिहाजा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अरे मेरे भाई अदालत में जाके करना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जा रहे हैं इसका ये कार्रवाई करने के लिए जाना चाहिए हम जाएंगे वहां पर हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ रिव्यू बल्कि इसको अपीलेट कोर्ट के तौर पर पूरी मेरी सजेशन ये होगी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की पूरा कोर्ट जो है फुल बेंच फुल कोर्ट बन जाए और इसको हेयर करें।
अच्छा बिल्कुल इसको करना चाहिए। कमरान साहब को पूछ लेते हैं इसकी गुंजाइश है हमारे कमरान साहब इसकी गुंजाइश है जो जनरल साहब कह रहे हैं कि जो नजर सानी की दरखास्त है उसको फुल बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट के तमाम अपील में कन्वर्ट करके या अपील में कन्वर्ट कर लिया जाए इसकी कोई गुंजाइश है मौजूदा आईन में कानून में अगर स्टैच्यूट में प्रोवाइडेड नहीं है तो अपील कैसे करेंगे उसको रिव्यू के तौर पर सुनेंगे मगर ये शायद जो है ना इससे पहले जो है प्रेसिडेंट मौजूद है कि रिव्यू में जो है उससे बड़े बेंच ने सुना हो इस बात का प्रेसिडेंट मौजूद है मगर इसको अपील के तौर पे नहीं सुन सकते। अपील के तौर पे सुनने का मतलब यह है कि वो बेंच न सुने और कोई और बेंच सुने और अपील जो है ना आप अमेंड कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लीजिए आज की डेट से कर लीजिए रिट्रोस्पेक्टिव कर लीजिए इसको जब अगर आप और आपके साथ कोई और पॉलिटिकल पार्टी मिलकर 2/3 मेजोरिटी से 1/84 को जो है ना इसके नीचे एक और प्रोविजन दे देती है अपील का राइट दे देती है तो आपकी अपील सुनी जा सकती है। तो इसमें तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन मौजूद है गवर्नमेंट इस ऑप्शन को इस्तेमाल करे इसमें डायलॉग करे दूसरी पार्टियों के साथ तो ये बात इसको इस मामले को अपील के तौर पे सुना जा सकता है अगर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले आते हैं और उसको मंजूर करवा लेते हैं मगर इस मामले को अपील के तौर पे नहीं लिया नहीं सुना जा सकता। आपने बड़े दो अहम नुकात उठाए कि इस मामले को अपील के तौर पे नहीं सुना जा सकता लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद है कि नजरसानी की अपील को पूरा बेंच जो है वो सुन सकता है लेकिन अगर अपील के लिए जाना जैसे मिनिस्टर साहब कहते हैं उसके लिए आपको आईन में तरमीम करनी होगी और आर्टिकल 1/84(3) में आपको एक लार्जर बेंच की अपील का राइट देना होगा उसके लिए आपको कानून साजी और आईन साजी में कानून साजी करनी पड़ेगी। इस हवाले से और भी गुफ्तगू करेंगे छोटा सा वक्फा फक्के पे आ जाएंगे तो नान जवाब सबसे नुकात उठाएंगे टेक अ ब्रेक। वैक्सीनेशन सफरी हज पर रवानगी से कम 10 से 12 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाकर सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। ये वैक्सीन तमाम हाजी कैंपों और सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल से लगवाई जा सकती है। सफर के 70 साल हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो मौजूदा मुल्की और सियासी हालात हैं। मैं जवाब साहब जाहिर बात है इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं लेकिन जो सियासत में इस वक्त इरताश है उसमें जो इस वक्त की सियासत में जो इल्जाम भी लग रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आज हमने देखा मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि आयशा गुलालाई साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली है अगर उन्होंने पीटीआई से रहदगी अख्तियार कर ली है आज उन्होंने अपनी अपीयरेंस की और एक बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और उनकी तकरीर के दौरान काफी खलल भी पैदा किया पीटीआई वालों ने और वो कहते हैं कि अपनी सीट हमें वापस करें रिजर्व सीट है कौन सा आपने खुद जाके लोगों से मैंडेट लिया है। आज खान साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि क्या आप अपना ब्लैक बेरी जो है उन्होंने बहुत ही फनी जवाब दिया उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि जो इल्जाम लगाता है ना सबूत देना उसका काम है तो इस एपिसोड को आप किस तरह देखते हैं ऐसा बोला उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया टर्न अराउंड किया है। आज से 4 माह पहले तक तो वो ये कहते थे कि जी 12 सबूत जो है वो उसके ऊपर है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है लेकिन शायद उसकी कोई टेक्निकल वजह वो बताएंगे। इसमें तो देखें बड़ी संजीदा बात है मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आयशा गुलालाई के जो इल्जाम आते हैं पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में अगर कहीं भी लगेंगे मॉरल टर्पिट्यूड के करप्शन के इस हवाले से तो उसका जवाब आना बहुत जरूरी है जी। और अभी तक आप देख लें मुसलसल आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें इमरान खान साहब की
अभी तक उन्होंने इस बात की तर्दीद नहीं की कि उन्होंने कोई मैसेज भेजा या नहीं भेजा। जिस चीज की वो तर्दीद कह रहे, जिस चीज का वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने साजिश की है जी। मुझे नहीं, साजिश की है या नहीं की है, सियासी राइवलरी है, हो सकता है पीएमएलएन इस हद तक गिर सकती हो तो गिर जाए शायद, लेकिन बात यह है कि वो जो कह रही है कैमरे ने, आपका भी वही स्टेटस है जो उसका है जी, आप उसका डायरेक्ट जवाब तो दें। आप उसको कहें कि आप गलत कह रही है, मैंने आपको कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा। ये लफ्ज कहने में क्या जाता है इमरान खान साहब को, बोले ये लफ्ज, जस्ट अ वैलिड पॉइंट। आप कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, ये बोल दें, खत्म हो जाएगी बात, आपके वर्ड्स और उसके वर्ड्स। उसके बाद अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो आपकी एक स्टेटेड पोजिशन सामने होगी। आप ये फिक्रे बोल दें, आप कहेंगे जी मैंने आज तक आयशा गुलालई को कोई ऐसा मैसेज नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो या जो मुनासिब नहीं था, कहते ये फिक्रा बोलने में क्या हर्ज है। तो असल में बात, मैं थोड़ा सा वापस एक जगह पे जाना चाह रहा था, कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे कि अपील हो सकती है नहीं हो सकती है इस मैसेज, मैं आपको दोबारा इस बात पे लेके आऊंगा, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा इंटरेक्शन था ना जी, जी मेरा ख्याल है कि वो समझ चुके हैं इन बातों को, मुझे लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये बात अब ये नहीं है कि अपील में जाएंगे ये होगा वो होगा। बात ये है कि जहां से ये सारी चीजें होती हैं, जहां से तनाजात जन्म लेते हैं, जहां से साजिशें बुनी जाती हैं, जहां से ये फैसले होते हैं, आज उन्होंने ये भी तो कहा ना कि मुझे पहले से पता था जी, मुझे कहा कि नायडू का फैसला हो चुका था, हो चुका था। ये कितनी बड़ी बात है यार, आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था वो चंद दिन पहले तक, इसे क्या जोक, इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। इसके बाद क्या कानून, क्या अदालत, क्या ये मैं फिर ये कहता हूँ तरीके हैं सर, नहीं मुफाद देखिए, बैठना पड़ेगा आपको, मैं कामरान मुर्तजा साहब से माजरत के साथ बैठना पड़ेगा, शुरू में जनरल साहब ने भी ये बात की, आपको ये रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, नहीं तो कभी मैं आलाकार बनूंगा, कभी कोई और आलाकार बनेगा, कभी कामरान साहब ने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट एक तीसरी पार्टी ले आई, कभी ऐसा होगा। इसलिए बैठ जाए, वो लोग बैठे जो इस मुल्क को समझते हैं, जिनके ऊपर ये मुल्क डिपेंडेंट है, सबसे पहले उस पर फौज है आपकी, आपकी सिक्योरिटी के इदारे हैं, फिर आपकी गवर्नेंस का सिस्टम है, ये बैठे, ये बैठ के तय करें कि भाई किस तरह चलाना है इस मुल्क को। सब आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि आपका पस मंजर फौज का है और आप इस वक्त आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के दूसरी दफा हिस्सा बन रही हैं, हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसको आइडियल कैसे बनाया जा सकता है, आपके तो दोनों बैकग्राउंड है। देखिए जी, मैंने जो जवाब साहब ने जो बात की, मैंने पहले बात की, बात वो एक है कि अगर बफर्ज माल ये इल्जाम साबित हो जाता है कि चेंजेस आते रहे हैं फौज की कार्रवाई की वजह से और फौज इसमें इंस्ट्रूमेंटल रहा है और डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया है वगैरह क्या है और उसकी जस्टिफिकेशन है नहीं है, होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो फिर बेहतर यह है कि सारे बैठे, सारे बैठे और फिर वो बताएं, कम से कम वहां से कमिटमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन आ जाए कि जी इस मुल्क के निजाम को इस तरीके से चला जाना चलाना है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल नाम्स अपनी जगह पे, इंटरनेशनल कानून अपनी जगह पे, तरीके अपनी जगह पे, हम अपने मुल्क का एक तरीका करें और उस तरीके को बना के उसके मुताबिक हम चलाने की कोशिश करें। ये भी आपकी बात है कि जो हमारे तकाजे हैं, हमारी जुजियात है उसके मुताबिक करें, कम अज कम उस पर ये कमिटमेंट हो कि कोई कार्रवाई, लेकिन जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी मेरे भाई, कोई भी ये इस किस्म की कार्रवाइयां होती रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक से पॉइंट फिक्स करके कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको अभी आपने ये इससे मुतालिक सवाल था, सबका खैरबंद जवाब दे दिया आपको। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूंगा, क्योंकि आज के इजलास में हम मौजूद थे, जो हमारा दूसरा सवाल जो आयशा गुलालई के हवाले से था, आप भी पार्लियामेंट के फोरम पे मौजूद थे। खान साहब का ये है कि ये कैसी कमेटी आप लोग पार्लियामेंट में बना रहे हैं जिसमें आप लोग 13 हैं, अपोजिशन 7 है, वो भी उनके मुखालफिन है, ये तो जस्टिस ही नहीं हो रहा। जस्टिस की बात नहीं है, जस्टिस की बात नहीं है, जवाब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया बात, वो सामने आए अपना सबूत दें, बीबी अपने सबूत दे, वो अपनी बीबी की भी इज्जत है, उनकी भी इज्जत है, वो एक पार्टी के सरबराह हैं,
बड़ी फॉलोइंग उनकी है और वो क्लेम भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसकी भी बेइज्जती नहीं होना चाहिए। बीबी एक खातून है, एक हमारी बच्ची है, छोटी है, और चार साल पांच साल इनके पार्टी में रहे और इस खातून में उनको कोई खराबियां नजर नहीं आई, और ये इनकी स्टार किस्म की वहां पर पार्लियामेंटेरियन थी, जहां पर असेंबली में आती थी, तकरीरें करती थी, बड़े उसके अपलाज उसके पार्टी से मिलते थे, सब कुछ था ये। और फिर एक ट्राइबल बैकग्राउंड है और जिस किस्म की बातें उसने की है उसके ऊपर भी सलर आना है, ठीक ठाक किस्म का, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें, उसके बावजूद भी अगर वो मजबूर होकर उसने ये बातें की हैं, तो मेरे ख्याल में एक चीज तो कम से कम उसका हक है कि उसकी इंक्वायरी हो। बिल्कुल, और इंक्वायरी के लिए अगर वो समझते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, वो अपना तरीका बता दें। वो तो बता रहे थे आज, उन्होंने बताया, बताता चलो, उनका एक इंग्लैंड में होता है जिसमें वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहलाई जाती है, एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंटेरियन को मुकर्रर किया जाता है चेयरमैन, वो फिर फैसला करता है कि क्या केस एडमिसिबल है या नहीं है। ये इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड के नाम बेशुमार किस्म के हैं, इंग्लैंड के नाम में वहां पर अगर किसी लड़की से इस किस्म की कार्रवाई है जिसको यहां पर ऐप समझा जाता है, वो अगर किए जाते हैं तो वहां पर कोई बुरा नहीं मानता इन चीजों को। अच्छा, वहां के नाम जोर है, हमारे नाम जोर है, बगैर उसमें जाए, ठीक। लेकिन आज जो उन्होंने ज्यादती की ना, दैट वॉज टू मच, कि डिमांड करने लगे कि उसको निकालो भी, जब तक उसकी गजट नोटिफिकेशन नहीं होती है, मेंबरशिप से उसको निकाला नहीं जाता, उसका हक है वो तकरीर करे, वो बात करें वहां पर। इनके पार्टी के ऑलरेडी छह मेंबर ऑलरेडी बागी हो चुके हैं, ये आल चाहिए, ठीक है, ऑल थ्रू वो अभी भी असेंबली में बैठे हुए, तकरीरें भी करते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ वापस चले गए, कुछ ये कार्रवाई जारी है। कमरा सर, इसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सर ये जो हरासमेंट के इश्यू है जो आयशा गुलाला साहिबा ने उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं जो एनजीओ काम नहीं कर सकी, जो बहुत से और तंजीमें नहीं कर सकी, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन मैंने ये बेड़ा उठा लिया है, इस पे खान साहब मोतरिज हैं कि ये एथिक्स कमेटी का तश्कील होना, इसके कुछ कवायद जवाबित होने चाहिए और मुझे इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आपका एज ए लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक है और आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, और जाहिर बात है आपको उनसे गहरा ताल्लुक भी है, पार्लियामेंटेरियन से आज भी है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या इसके लिए आइडियल वे क्या होगा, क्योंकि ये एक इशू बड़ा बनता जा रहा है, आयशा गुलाला वर्सेज इमरान खान साहब। मैं तो इसमें ये अर्ज करूंगा कि ये इस इशू के साथ साथ जो है ना, जब वो ब्लैकबेरी लेना है तो 2014 के धरनों के हवाले से भी जो ना मामले को एग्जामिन कर लिया जाए, उसमें भी बहुत कुछ जो ना वो मवाद मिल जाएगा। उसको जब एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मामला किधर से है और कहां से है और क्या है। तो सिर्फ ये इस इशू को ना लें, तो उस इशू पर मैं तबसरा नहीं करता हूँ, बाकी जो मेन इशू है, जो इस मुल्क का इशू है, उस हवाले से ले, 2014 वाले धरने का वो ले लें, और उस हवाले से ये आप उनका मोबाइल एग्जामिन करवा लें, आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अरे ये तो आपने सजेशन दी थी मोबाइल की, आपकी सजेशन आई थी, इसमें यही इतराज आया था कि फिर वो ब्लैकबेरी नहीं देंगे किसी सूरत में भी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि इंट्रोस्पेक्शन की आपने बात की, खुद एहतसाबी की भी इस प्रोग्राम में बात हुई है टुवर्ड्स दी एंड, इसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी कोई रोल अदा करेगी, क्योंकि खुद एहतसाबी जहां एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, आलाकार बनने की बात करते हैं, हमारी जुडिशरी जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, इनका भी एक अपना एक पस मंजर और रहा है, और आप लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है, आप सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर भी रहे हैं, वहां भी कोई खुद एहतसाबी की कोई एक्सरसाइज की कोई सोच पाई जाती है? जी बिल्कुल, इसमें खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए, और आदमी को कभी ना कभी जो है वो लॉ के सामने सरेंडर करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को कानून के सामने, इखलाक के सामने जब अपने आप को सरेंडर नहीं करते, तो हम सेटिस्फेक्शन जो है ना वो फील नहीं कर सकते, ठीक है। बाज अवकात जो है ना हम लोग बच जाते हैं, बाज मामला से छुपा जाते हैं, मगर ये छुपाने, इस तरह से अपने आप को छुपा जाना या अपनी बातों को छुपा जाना, तो क्या हमारा जमीर भी उससे मुतमिन हो जाता है? क्या ये जो अंदर है हमारे अंदर, क्या उस पर ये हम सेटिस्फेक्शन फील करते हैं? तो ये किसी ना किसी स्टेज पे हमको जो है ये अपने जमीर के सामने, अल्लाह के सामने, जमीर के सामने और कानून के सामने खुद को भी सरेंडर करना चाहिए, और जब हम सरेंडर करेंगे या हम उन फोरम्स के सामने सरेंडर करेंगे, तो फिर मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ यकीनन जाएंगे। क्या वो वक्त आपने क्या आज आ गया कामरान साहब, वक्त आ गया वो आज? फिर वो वक्त आ गया है, देखिए अब वो 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, अब वो वक्त आ गया है कि हम जो है ना सच बोलना शुरू करें। ये आप मतलब ये वाली जनरेशन जो है ना, ये हमने गुलामी नहीं देखी, शुक्र है अल्लाह का,
हम उससे निकल गए हैं और जिस नस्ल ने वो गुलामी देखी थी वो नस्ल भी जो है ना वो अब तकरीबन जो है ना वो बुरी हो गई है या तकरीबन खत्म होने जा रही है। ठीक है, इसलिए जो है ना अब हम आजाद लोगों की तरह आजाद कौमों की तरह फैसले। सर बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब क्वेटा से टीवी यू लिंक पे हमारे साथ मौजूद थे। जनकाद बोलो साहब सर बहुत शुक्रिया, राणा जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपने हमारी गुफ्तगु सुनी। इंशाल्लाह ये मोबाइल से जारी रहेंगे जैसे जैसे हमारी सियासी सूरत हाल वाजे होती जाएगी और हमें और बहुत से इस हवाले से इश्यूज और बयान मिलेंगे, हम उनको जेर बहस लाते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए टेस्टिंग टाइम से हम वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान इनसे बाहर निकले और एक मुस्तहकम पाकिस्तान के तौर पर बाहर आए। इंशाल्लाह कल रात 8:05 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे सैयद अनवारुल हसन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।